चीन ने हाल ही में अपना दूसरा और पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत समुद्र में उतारा है। यह चीन के लिए जहां बड़ी उपलब्धि है, वहीं भारत के लिए चिंता की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास वर्तमान में केवल एक ही विमानवाहक पोत है, जिसको भारत ने रूस से वर्ष 2004 में $974 मिलियन में खरीदा था। समस्या ये भी है कि INS विक्रमादित्य रूस की नौसेना में एडमिरल गोरशोव के नाम से कई वर्षों तक सेवाएं दे चुका है। यह विमानवाहक पोत करीब 44,500 टन वजनी है। भारत के लिए इसको अपग्रेड किया गया है। इसके बावजूद यह सच्चाई है कि ये करीब एक दशक पुराना विमानवाहक पोत है। वहीं भारत के लिए दूसरी चिंता की बात ये भी है कि चीन ने अपनी नौसेना में वर्ष 2049 तक 10 विमानवाहक पोत शामिल करने की योजना बना रखी है। भारत के लिए तीसरी बड़ी चिंता नौसेना चीफ एडमिरल करमबीर सिंह के उस बयान से सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने कम से कम 3 विमानवाहक पोत की तुरंत जरूरत बताई है। उनका कहना है कि 3 विमानवाहक पोत होने पर हम कम से कम 2 को हमेशा चालू रख सकते हैं। उनके मुताबिक ये विमानवाहक पोत 65,000 टन वजनी होने के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन से युक्त होने चाहिए। उनके मुताबिक 2021 तक भारत को इन विमानवाहक पोत की डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद भी इन पोतों को नौसेना में शामिल करने में करीब एक वर्ष का समय और लगेगा। इसकी वजह इनका विभिन्न चरणों में होने वाला ट्रायल है, जिसके बाद ही ये नौसेना में शामिल हो सकेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत को इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे, तभी हम चीन को चुनौती पेश कर सकेंगे। भारत के लिए चिंता की बात महज यही नहीं है कि चीन इस दिशा में तेजी आगे बढ़ रहा है, बल्कि ये भी है कि वह तेजी से हिंद महासागर में पांव पसारने में लगा है। 2018 में यहां पर उसके करीब 7 पोत और सबमरीन लगातार तैनात थी। इसके अलावा चीन से बाहर उसने अफ्रीका के जिबूती में भी वर्ष 2017 में अपना सैन्य अड्डा विकसित किया है, जो अब पूरी तरह से ऑपरेशन में है। भारत के लिए यह बड़ी चिंता की बात है। हालांकि भारतीय नौसेना तेजी से खुद को विकसित कर रही है। इसके तहत लॉन्ग रेंज मिसाइलें, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, लॉन्ग रेंज मेनली टाइम रेकनेसेंस एयरक्राफ्ट को इसमें शामिल किया जा रहा है। मॉडर्न प्लेटफॉर्म, सेंसर और हथियारों से लैस कर फिलहाल नौसेना की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। जहां तक चीन की सेनाओं की क्षमता की बात है, तो बीते कुछ वर्षों में चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी समुद्र समेत विमानवाहक पोत स्वदेशी फाइटर जेट को सीमाओं पर तैनात किया है। सैन्य क्षमता के मामले में वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले 2 वर्षों में चीन में शामिल होने वाले विमानवाहक पोत तकनीकी दृष्टि से भी काफी अहम होंगे। इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट लगा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट के ही बदौलत विमानवाहक पोत से कोई जेट महज 2 सेकंड में 265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।